जाते लौंडे का चैनल कैसे जाते? फन बनाते भाई जाते लौंडे यहाँ के। हाँ बनवाता, हाँ एक फोन पे, एक फोन पे लौंडा फन बनाता भैया आएगा। हाँ मेरी जान सही है। जानवर में कम से कम महंगे 15 पेट्रोल टैंक। और ये हमारे योगेश भैया की फोटोग्राफर की दुकान है। हाँ बढ़िया, सस्ते काम, अच्छा काम। वाईफाई लगी है भाई, 5G। पासवर्ड बता देंगे आप? पासवर्ड नहीं बताएंगे। जालौर में भाई एक मार्केट के अंदर भी नया ही अभी बनाया, कुछ टाइम हुआ है, पेट्रोल टैंक एक बन गया है, ताकि आप लोगों को धक्का ना लगाना पड़े। और आपको यहाँ फर्नीचर की भी बड़ी सी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी जालौर में। जालौर भाई बहुत अच्छी है, ATM पे ATM तो है ही। और आपको मिलेगा यहाँ पे पटेल कॉम्प्लेक्स, एक्सिस बैंक, सारी बैंक के मिलेंगे आपको यहाँ। ड्रीम बाइक खड़ी, ड्रीम बाइक खड़ी। ओ ड्रीम बाइक MT लेना है भाई, ऐसी ले आएंगे पूरे जालौर में नहीं हुआ उनके पास MT। और यहाँ पे आपको PNB भी मिलेगी बैंक, सारी बैंकें मिलेंगी आपको यहाँ पे। पैसा ना हो चल जाएगा, लेकिन और यहाँ पर RS की दुकान भी है यहाँ पे, एक छोटे बड़े की जिनको हम कहते हैं। हाँ सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, रूम भी अवेलेबल है, AC रूम भाई ले, वो की व्यवस्था है, ले AC रूम्स अवेलेबल। ज़्यादा में खुल गया है भाई बहुत कुछ, आप लोग चाहें तो बिल्कुल AC रूम्स आपको मिल सकते हैं। और ये हम मिल चुके हैं प्रशांत राणा से, और ये हमारे क्लासमेट थे, यहाँ पे जाने क्या कर रहे हैं। और ये पोस्टर के ऊपर पोस्टर तो चिपका नहीं सकते, अच्छी जुगाड़ है। और आपको यहाँ पे जिम मिलेगा, एक फिटनेस क्लब। जालौन में अगर घूमने के लिए कोई जगह है तो वो है जालौन का मार्केट, तो वही हम लोग रोज शाम को घूमते हैं, बढ़िया मौज करते हैं। और जालौन की कहा जा ले जी आई ले जाई है जा हाँ लकड़ी मार्केट है जालौन का, यहाँ पे होती है रामलीला, सामने आपको दिखाई दे रहा है रामलीला मैदान है जी, रामलीला भवन देखो है। अभी लकड़ियाँ कट रही है, रामलीला हुआ है, यही चमक चल लो आती हो गई तो हुआ है। फिर लकड़ी का पूरा काम यहीं पे मिलेगा आपको। जालौर में सारे मार्केट आपको अलग अलग मिलेंगे, सबका मार्केट अलग है, बहुत बड़ा मार्केट है, कम से कम 80 बीघा में फैला हुआ है जालौर का मार्केट जो है। और यहाँ पर टपक से लपक आइसक्रीम आप खाओ। और यहाँ आपको एक बिलैया की दुकान मिलेगी, इसको बिलैया के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपको सारी कॉपी किताब वाले। और यहाँ का जालौन में जो है छोटा बिजली घर आपको दिखा दें, यही है छोटा बिजली घर, ये दिखा दे रहा है, ज़्यादा कुछ छोटा है लेकिन बिजली घर है, छोटा बिजली घर के नाम से जाना जाता है। बस जालौन की चौकी सब्जी मंडी के ऊपर बोरा लटके चौकी पे, कौन दिक्कत रही है, चल जा, जलवा है आगे लोगों का। कर दी तुमने खड़ी हमारी हो चुकी है, आपको दिखा दें, बता दें आपको यहाँ पे चौकी है जालौन की, कर दी चुरौर। और जो लोग हैं कितने फर्जी जालौन के, जो लोग अन्य जो है चौकी के बगल में भाई पार्क बनवा रहा, कहीं दिक्कत ना हो पाए, उनके काम कर ही नहीं पे होता हूँ खुद ही। सांप क्या महीने से नहीं होगा, हम जब से नहीं आए तभी से सांप नहीं हुआ, वो गंदगी है, वो पतझड़ को मौसम है। ओहो भाई सैतूत लगे तो क्या कह रहे, बहुत टाप बहुत सारे छोटे नहीं है, यही तो है छोटे ही तो खेल कर दे जालौन पार्क भाई। पहले कोचिंग की छुट्टी होती है ही, आ जाते आराम से टाइम काटते। जालौन में एकमात्र पार्क है जो चौकी के बगल में, सफाई वफाई सब कुछ भाई, तुम तो पागल हो, देखो अरे कौन सी हूँ मैं तो।
हम आजादी के टाइम हते नहीं भाई, ज्यादा सही सही पता नहीं है को है भाई, इतने फर्जी मोड़ा है जा रहे एक चीज नहीं वजन देगी, एक चीज वजन दे खेल लगे जड्डे एक चीज नहीं वजन दी सालन में बना बना के जिम की ऐसी तैसी करा दे करा दे तो पानी तो भाई लाइटिंग कभी वही नहीं है अच्छा छोटे हो गए अब तुम जालन में भाई पार्क देखो बढ़िया शांति को माहौल है बहुत आराम से बैठो और ज्यादा अगर कछु करी टोंडे भाई बगले में चौकी है भाई बहुत लगते चला दे ले जग मार दे टोर के धरने पूरा चलो बन गई बॉडी आओ ए चलो का है ठेला ठेला बाद में चली जाओ पहले बाइक चला रहे आ बिना गियर को है ठुक जे आ जल्दी जो पार्क है यहाँ पे बड़े से छोटे छोटे लोग भी आते हैं अरे वो बाईपास कूद रहा हूँ है कितना फर्जी लग जे लग लग कितने कूद रहे तुम लोग कहाँ कूद रहे तुम इधर कहाँ जा रहे नानी के घर पे क्या कर रहे थे तुम कहे नानी के तो क्या करना है तो इधर से कहा है गेट से जाओ घर कितने भर्ती है भाई नानी कितने आए थे यहीं से आए थे यहीं कुछ कितने भर्ती है लग जाओगे लगा कैसे कहे थे वैसे ही आ जाओ छोले भटूरे वाले हैं दो छोले भटूरे बाजार में आए हैं कम से कम दो घंटा के लेकिन अभी तक कहीं लाओ नहीं है कहीं नहीं लाओ क्या करना ना है समझ सका था एंजॉय एंजॉय इन द मौके बो बो मेकअप का सामान मिलता है मेकअप और जो फलाना ढिकाना जो माधव बिहार अपना बगल में माधव बिहार की दुकानें मिलेंगी यहाँ पे कपड़े कपड़े वाली है बढ़िया शोरूम है आलू 20 रुपया किलो 20 रुपए सस्ते हुए तो महंगे बिकवा रहे महंगे सस्ते बिकवा रहे यहाँ पे आपको पार्लर की दुकानें मिलेंगी पार्लर श्रुति पार्लर का है जो जन्नत आदमी देख रहा है देख है किनकी ले खालिद भाई खड़े अपने जा है खालिद भाई की दुकान कहा है पूरी इनने मार्केट नहीं ना कर ली पूरी मार्केट नहीं ना कर ली हमने जी है आदिल भाई की दुकान फैशन गैलरी जहाँ पे मिल जाए चूड़िया रहनी पे जानो उनमें श्यामा टावर बन चुका है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा श्यामा टावर पूरी मार्केट भाई हमें लग रहा है मार्केट हम खरीदने पड़े खरीदने का बड़ा अपनो ही है जो है अपनो जो है अपनो जो ही अपनो छोटी बड़ी माता जो आज की हमारी जालौन में बस ये कई माता है रेस्टोरेंट है कैपिटल किचन फैमिली तो हमें कहूँ आती नहीं है जब तक आया जब फ्री को मिल जाएगी इतनी जल्दी थी होलिका दहन होलिका दहन कुत्ता सो रहा है जहाँ पे अरे जम्मू गए जहाँ पे मिले सब हुक्का हुक्का सब कचू क्या दहन है राठौर प्लाजा बुरे हैं क्या इसमें तुम मान सके जो मिलने वो हमको भूल गया और यहाँ पर आ गई आपको कितने मिल जाए आपको मुर्गा बकरा पड़ा सब कैसे मिल जाए आदिल आराम अब आपको दिखाने जा रहे हैं जालौन में जो है सबसे फेमस
सबसे लग्जरी दूसरे कहते मट्टी उट्टी डाल के भाग जाए मोड़ा देख करते हैं आपको दिखा रहे अभी दोस्ती यारी सब भूल चुके हैं ये तीन महीने तक दोस्ती यारी सब भूल रहे हैं पहले ही वादा किया था यार के 3 महीने तक कोई से बोला नहीं थे जालौन में सबसे लग्जरी सबसे फेमस एकमात्र जगह है जालौन जो है जो पक्के तालाब के नाम से जानी जाती है इस जगह का आविष्कार हम लोगों ने किया था अरे हम लोगों ने नहीं किया था पता नहीं किसने किया था जिसने भी किया था बहुत अच्छा किया था इससे पहले मोड़ा जो है साइकिल उठा उठा के धंधे यात्रा यात्रा आप लोगों को जो है यहाँ पर सारे के सारे बंदे यहीं पे मिलेंगे उल्टे सीधे काम करते हुए क्योंकि ये जगह ही फेमस इसके लिए है देखो जी बैठ जी नहीं कर दे इतने अरे ना हो रहे हैं जैसे ये अपनी क्वालिटी है जैसे जालन जो है बर्बाद है पूरी समझ गए आप उठ गए तो वही जी बैठे जालन जान नहीं मैं जालन की आवाज है का है हमें मैं तालाब पे जो है हम आए बहुत दिन बाद मेरा सफर सॉरी मेरा शहर साफ हो इसमें हम सब इनका चलिए तो गाइस मिलते हैं आपको फिर अपने नए ब्लॉग के साथ।